हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का अब नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है। यह नए नाम का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। इस विधेयक को और अधिक कड़ा बनाने के लिए 1979 में अनुसूचित जाति पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 बनाया गया। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक घोषणा के द्वारा जनजातियों या जनजाति समुदायों या उसके भागों या समूहों को जनजातियां घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 275 में, अनुच्छेद 244 में, अनुच्छेद 46 में या अनुच्छेद 342 में? इसका उत्तर है अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी जाति को अधिसूचना राज्य से संबंधित है जो वह उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। संसद विधि द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित सूची के अंतर्गत किसी जाति या जनजाति समुदाय को सम्मिलित कर सकती है या निकाल सकती है। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और अनुसूचित 46 जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक समृद्धि से जुड़ा है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 342 जो है वो संबंधित है, 343 ये संबंधित नहीं है अनुसूचित जनजातियों से। इसका उत्तर है अनुच्छेद 343। इसके अतिरिक्त जो अन्य है 342 राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित अधिसूचना और 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है और अनुच्छेद 332 राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है 16(4) में किया गया है। इसके अतिरिक्त 15(4) के अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 को कोई बात राज्य के सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और अनुच्छेद 16(4) में कि कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राज्य में अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए निवारित नहीं करेगी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सहायता प्रदान करने की चर्चा करता है? इसका उत्तर है 275। अनुच्छेद 275(1) में यह उपबंध किया गया है कि संसद उन राज्यों को विशेष अनुदान प्रदान करेगी जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली गई है योजना को कार्यान्वयन कर रहे हो। इस प्रयोजन के लिए असम राज्य को विशेष अनुदान दिया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना को कौन से सिद्धांत निर्देशित करता है? समाज कल्याण, सामाजिक न्याय, आर्थिक संपन्नता, न्याय में न्याय के साथ वृद्धि। इसका उत्तर है न्याय के साथ वृद्धि। किस वर्ष 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी? इसका उत्तर है 1992 में। किसने कहा कि स्व एवं समाज जुड़वा है? जेम्स वर्क, मार्केट मिट, कॉफमैन या सीएच कुले ने? इसका उत्तर है सीएच कुले ने समाजीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और कहा है कि स्व और समाज जुड़वा है। कुले के अनुसार जब व्यक्ति ही समाज का निर्माता है जिसमें दिमाग और खा यानी कि कोई व्यक्ति, आप या हम, खा ही व्यक्ति सामाजिक जीवन में अनुभव करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? एक स्कूल अध्यापक का प्रधान अध्यापक बन जाना, पुत्र का पिता से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना, एक जिलाधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण होना, एक पीसीएस अधिकारी का आईएएस नामित हो जाना। क्षैतिज गतिशीलता जो है इसमें व्यक्ति की
नहीं होता है बल्कि स्थानांतरण हो जाता है, जैसे कि एक जिलाधिकारी का दूसरे जिले में अधिकारी हो जाना। इसका सही उत्तर है एक जिलाधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण हो जाना। अगला क्वेश्चन है, आदर्श शून्यता की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? मार्कस जी ने, मार्टिन जी ने, दुर्खिम जी ने या मैक्स वेबर जी ने? इसका उत्तर है आदर्श शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाजशास्त्री दुर्खिम ने सामाजिक सहभागिता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए किया था। उनके अनुसार ऐसी दशा जो मानव के विकास एवं सुख समृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती है, इसका अभाव ही आदर्श शून्यता की स्थिति दर्शाता है। दुर्खिम के पास इस अवधारणा का प्रयोग मार्टिन ने किया था। के अनुसार मनोविकृत, चांडाल, बहिष्कृत, भगोड़े, आवारागर्दी, चिरकालिक शराबी एवं मादक द्रव्य सेवी हैं अनुरूप, अनुरूपतावादी, नवाचारी, कर्मकांडवादी या अपरिवर्तनवादी? इसका उत्तर है अपरिवर्तनवादी। मार्टिन के अनुसार यह व्यवहार का वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति ना तो साध्यों को स्वीकार करता है और ना ही इन्हें प्राप्त करने के लिए वैध संस्थागत साधनों को मानता है। इसके अंतर्गत मनोविकृति, चांडाल, बहिष्कृत, भगोड़े, अवारा, शराबी, मादक द्रव्य सेवी आते हैं। इसके अतिरिक्त जो होते हैं अनुरूपतावादी, अनुरूपतावादी वो होते हैं जो सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं साधनों को समान रूप से मानते हैं, और नवाचारी वो होते हैं जो उत्तर आधुनिकता द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं किंतु इनकी प्राप्ति के लिए समाज द्वारा अनुमोदित साधनों को नहीं मानता, और कर्मकांडवादी होते हैं जो सांस्कृतिक लक्ष्यों के प्रति उदासीन रहते हैं लेकिन संस्थागत साधनों को पूरी तरह अपनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, विचलन के नामकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है बेकर ने किया था। विचलन के नामकरण सिद्धांत के बीच सर्वप्रथम लेमार्ट के प्राथमिक और द्वितीय विचलन में किए गए थे, विचलन में किए गए भेद में देखने को मिलता है, किंतु इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हार्वर्ड एस बेकर हैं। चार्ल्स कुले ने अपने किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये इनकी एक पुस्तक थी जिसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिपादक किया। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण को दो भेद, चेतन तथा अचेतन बताया है। किसका कथन है कि भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है? यह कथन मजूमदार जी का है। अपराधी संस्कृति वृहत संस्कृति से अपने आदर्श को ग्रहण करती है किंतु उन्हें औंधा देती है, विचलन के संदर्भ में यह किसने कहा है? इसका उत्तर है कोहन ने अपराध संबंधी विचलित उप संस्कृति के सिद्धांत का व्याख्या करते हुए कहा है कि अपराधी संस्कृति वृहत संस्कृति से अपने आदर्शों को ग्रहण करती है किंतु उन्हें औंधा देती है। बाल अपराध अवसीमांत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? इसका उत्तर है लोवेल जे कार ने किया था। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाजों में भेद स्थापित किया था? मैक्स वेबर जी ने, कार्ल मार्क्स जी ने, दुर्खिम जी ने या कार्ल मैनहेम जी ने? इसका उत्तर है दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सोशल डिवीजन ऑफ लेबर के प्रथम भाग में सामाजिक एकता का विश्लेषण करते हुए सामाजिक एकता के आधार पर समाज को दो भाग, यांत्रिक यानी पूर्व औद्योगिक और सावयवी समाज यानी उत्तर औद्योगिक में बांटा था। नागरिक विश्लेषण के परिस्थिति के उपागम के विकास का श्रेय जाता है शिकागो संप्रदाय के स्थापक एल्विन स्मॉल थे। शिकागो संप्रदाय ने विशेषता नागरिक समस्याओं, अपराध, औपचारिक गरीबी आदि के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया था तथा पारिस्थितिकी एवं निर्जाति विज्ञान अध्ययन विधियों का प्रयोग किया था। बाद के इसी संप्रदाय के आधार इसीलिए क्रियावादी परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ। निम्नलिखित में से किसने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी को संपादित किया है? इसका उत्तर है मार्शल, गॉर्डन मार्शल ने। सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक हैं एड्री विक्रड। निम्नलिखित में से किसने साइबर सोसाइटी पुस्तक
लिखी है, स्टीवन जी जोन्स ने लिखी है। फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है, ये कोजर जी ने लिखी है। अचीविंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, मैकलीलैंड ने लिखी है। सोशल मोबिलिटी इन द कास्ट सिस्टम इंडिया के लेखक कौन है, जेम्स सिल्वरबर्ग हैं। और एंड डेमोक्रेटिक्स प्लानिंग पुस्तक के लेखक हैं, कार्ल मैनहेम जी हैं। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं, ए डी रॉस। द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक किसने लिखी है, एल ए वाइट जी ने लिखी है। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, रजनी कोठारी जी ने लिखी है। जागीर व्यवस्था का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, जागीर व्यवस्था का प्रादुर्भाव मध्यकालीन यूरोप में हुआ। मध्यकालीन युग यूरोप का समाज दास प्रथा तथा जागीर व्यवस्था पर आधारित था। स्वतः स्फूर्त की अवधारणा का उपयोग किसने किया, इसका प्रयोग दुर्गिम ने किया था। दुर्गिम के अनुसार सब घटना का कारण स्वयं समाज ही होता है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, उस कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया, इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू को इसका चेयरमैन बनाया गया था। औपचारिक आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ हुआ था। विरले ही कोई महिला दुष्ट होती है, किंतु जब यह होती है तो वह पुरुष से भी आगे बढ़ जाती है। ये कथन लाम्ब्रोसी जी का है। किसने दी है, समाज की चेतना की अवधारणा गिडेंस जी ने दी है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज को रिकॉल होता है तो हमें एक लाइक ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।